देखिए, एक बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात के दरियापुर गांव में घटित हुई थी। 22 तारीख की रात को लगभग 8:40 बजे एक लाल रंग की कार से करीब 5-6 लड़के सिगरेट की दुकान पर आए। निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं, और सिगरेट लिया। 20 रुपए को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो बीएसएफ में नौकरी करता है अफसर अहमद, वो भी मौजूद था। उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे, लाल रंग की कार से, वापस चले गए, और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पर 9 की संख्या में कुल आए, और आते ही इन्होंने वहां तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग शुरू की और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें, और उनका बेटा अफसर अहमद जो बीएसएफ में नौकरी करता था, उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसी तरह की कोई बहुत जानकारी थी नहीं। लगातार कोतवाली देहात पुलिस ने इसमें प्रयास किए, लाल रंग की गाड़ियों का पहले पीछा शुरू किया, और 1 दर्जन से अधिक लाल रंग की गाड़ियों की तलाश करने के बाद बहुत से लोग पूछताछ के लिए आए गए। लेकिन पूछताछ के दौरान और जब उनका तकनीकी पक्ष देखा गया तो उनकी उपस्थिति वहां नहीं पाई गई। लास्ट में और आगे बढ़ते हुए जब नोएडा की सीमा से एक लाल रंग की गाड़ी ट्रेस हुई, उस गाड़ी का जब पता किया गया तो गाड़ी जो है वो कटने के लिए कबाड़ी के यहाँ चली गई थी, जहाँ कटी हुई अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को बरामद किया गया और थाने में लाया गया, और फिर इस घटना का अनावरण हुआ। अनावरण घटना में ये 4 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम पंकज वाल्मीकि है जो दलकौर का है, दूसरा भी इसी के गांव का अमित वाल्मीकि है, तीसरा रिक्की उर्फ आकाश है जो चिंदावली जब थाना दलकौर का रहने वाला है, और भूरा भाटी है, ये भी दलकौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन 4 की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से वो अल्टो कार लाल रंग की जो थी, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, कटी अवस्था में बरामद की गई है। इनके पास से 2 पिस्टल 32 बूर के और 6 जिंदा कारतूस जो घटना में प्रयुक्त हुए थे पिस्टल, वो बरामद भी की गई है। और इसमें कुछ अभियुक्त अभी और हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयास कर रही है। सर, पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया? पुलिस टीम को 20,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया। इस मामले में टोटल कितनी गाड़ियों को चिन्हित किया गया था, मतलब पूछताछ के लिए बुलाया गया था कितने लोगों को? हम वहाँ से अपने घर गए, घर से वापस हथियार लेंगे, हमारे हथियार लेने के बाद हमने उन्होंने पेरेंट की तरफ से फायरिंग की, फिर हमने गोली अंगूर की थी। तो क्यों कटवा दी इसको? वो तो हमारे साथ नहीं था सर, हेलो, बोल दिया आपके सामने ऑफिस में हेड पे हो रहे हैं भाई।
हाँ बता दिया है, बता दिया सुन नहीं देते ये ठुकाई केंद्र है और भी यही है।